फिर पे ठाकुर देखिए हमारे युवाओं ने आज फैसला किया था कि आज के दिन महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेके एक रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हमारे रवि जी हैं, गणेश जी हैं, हमारे साहिल जी हैं और का सारे युवा, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं सभी का अगर नाम लूँगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो सारे यूथ ने ऑर्गेनाइज़ किया है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं है, युवाओं की तरफ से है। और ये युवा, इनके अंदर आपने आक्रोश देखा कि छुट्टी को लेके एक ज़बरदस्त आक्रोश है, कि एक छोटी सी डिमांड जो है सरकार के लिए छोटी सी मांग है और हमारे हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मांग है। और इसमें इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि हर जात धर्म बिरादरी के नौजवान चाहती हैं, पर्टिकुलर किसी एक जात या धर्म से नहीं है, सभी जात धर्म बिरादरी के नौजवान हैं। और एक छोटी सी हमारे लिए एक बड़ी है और सरकार के लिए छोटी सी बात है कि अगर वो छुट्टी अनाउंस करते हैं तो मामला ख़त्म है। और ये छुट्टी का कनेक्शन इसलिए है क्योंकि महाराजा हरि सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने जात धर्म बिरादरी से ऊपर उठ के काम किया, महाराजा की तरह काम नहीं किया। उन्होंने उस समय लोकतंत्र की बहाली की बात की, जब हिंदुस्तान में लोकतंत्र का कहीं नाम नहीं था, तो उस टाइम उन्होंने इलेक्शन की बात की। तो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने हर जात धर्म बिरादरी को एक मंच पर बिठाने की बात की, सभी को इकट्ठा एक ज़मीन पर बैठ के खाने खाने का एक जो है मिशन स्टार्ट किया। तो एक ऐसे राजा थे। तो आज उनके जन्मदिन पे अगर एक छुट्टी की एक डिमांड है तो मुझे समझ नहीं आता कि सरकार उसके लिए इतना घबराई क्यों है, सरकार उसको नज़रअंदाज क्यों कर रही है, सरकार उसको क्यों इसके लोगों की इस जेन्युइन इशू को आज तक माना नहीं है। तो ये आज देख रहे हैं कि लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। और जहाँ तक कि कल हमने देखा, कल मैं गया था, जम्मू में भी गया था, महाराजा हरि सिंह जी की जो प्रतिमा है वहाँ पर जो भूख हड़ताल चल रही थी वहाँ पे उनके ऊपर काफ़ी दबाव और प्रेशर बनाने की कोशिश जो है यहाँ का प्रशासन की, जम्मू कश्मीर प्रशासन से की जा रही है। और कल उनको ये कहा कि आप किसी तरह से इस धरने को सस्पेंड करें और 10 दिन के बाद आपकी हर हालत में ये छुट्टी अनाउंस की जाएगी। तो लेकिन वहाँ के जो जितने जो मेन साथी थे जिन्होंने धरना लगाया था, मैंने उनको ये कहा है कि धरना ठीक है अगर आप समझते हैं कि 10 दिन के लिए सस्पेंड करना है, लेकिन 10 दिन में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, चाहे वो कठुआ है, सांबा है, उधमपुर है, जम्मू है, रियासी है, पुंछ है, राजौरी है, हालांकि कश्मीर के अंदर लाल चौक में भी हमने एक प्रोग्राम जो है इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है। और हमारा ये है कि 10 दिन